पूर्वी पंजाब में गैस बहरान कर गया परेशान, खवातीन को अमूर खानादारी में शदीद दुश्वारी। तवील लोड शेडिंग और कंप्रेशर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी, शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और मुश्किल, घी की कीमतों में इजाफे ने हंडिया को तड़का लगाना मुश्किल कर दिया। कीमतों में 20 से 50 रुपए तक फी किलो इजाफा, घर का चूल्हा जलाना नामुमकिन हो गया। एक तरफ आटा बहरान तो दूसरा कीमतों ने किया परेशान, शहर मुल्तान में गंदम की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। सरकारी गंदम का रेट 4400 रुपए फी मन मुकर्रर, मार्केट में 5200 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगा। सरकारी आटा ना मिलने पर शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, हासिलपुर में भी शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर। उधर भक्कर में आटे का बहरान बददस्तूर जारी, डिप्टी कमिश्नर ने आटा डीलर्स को कोटा बंद कर दिया। आटा डीलर्स का कोटा मनसूख होने से सरकारी पॉइंट पर लंबी कतारें लग गई। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए रिलीफ, बहावलपुर में गंदम की कीमत में हैरतअंगेज कमी। फीमन गंदम में 2000 रुपए कमी से कीमत 3500 रुपए तक पहुंच गई। गंदम सस्ती होने से चक्की आटे की कीमतें भी नीचे आ गईं। 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला आटा 110 रुपए का हो गया। दुकानदारों के मुताबिक मार्केट में दरामदी गंदम की सप्लाई आने से रेट कम हुए हैं। बाहर से गंदम आ गई है, इसलिए काफी सारा फर्क पड़ गया है, इसलिए गंदम नीचे आ गई। एक हफ्ता पहले सर 150-160 रुपए किलो बिक रहा था, आज माशाल्लाह से 90-95 रुपए किलो बिक रहा है। इस वक्त 3600-3700 चल रही है, दो हफ्ते पहले 5000 थी, काफी सारा रेट डाउन हो गया। सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा, 24 कैरात सोने की कीमत 1,85,000 रुपए, 22 कैरात सोने की कीमत 1,69,583 रुपए हो गयी। पी एंड डी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, मुख्तलिफ सेक्टर्स के 9 तरक्याती स्कीमों के लिए 13 अरब रुपए से जायद फंड मंजूर। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए 5,65,67,00,000 रुपए, डाटा सेंटर सर्विस की इस्लाह के लिए 73,52,00,000 रुपए की मंजूरी। PPSC की अपग्रेडेशन के लिए 1,82,00,000, सरगोधा में रोड्स की बहाली के लिए 84,53,00,000 रुपए मुख्तस। PTI का पंजाब में जिला तरक्याती प्रोग्राम, वजीर आला पंजाब का जिला तरक्याती पैकेज जारी। प्रोग्राम की मद में 27 अरब रुपए के फंड का इजरा, साबका हुकूमती अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए मजकूरा फंड जारी किया गया। जिला तरक्याती पैकेज में रोड सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट और इमरजेंसी समेत ट्रांसपोर्ट सेक्टर शामिल। जनूबी पंजाब के आवाम को अब मयसर होगी तफरीही सहूलियात, सियाहती मुकाम फोर्ट मंद्रू को मरी के तर्ज पर बनाने का मिशन। कोहे सुलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी मुतहरिक, इलाका में सड़कों की बहाली के लिए 25 करोड़ रुपए का इजरा, 30 किलोमीटर सड़कों की बहाली और मरम्मत का काम शुरू। डायरेक्टर जनरल बाबर रशीद ने काम का जायजा लिया। मुल्तान जिले कचहरी में जगह कम पड़ गई, डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार के अहदेदारान का एहतजाज, कचहरी में 1500 से जायद क्लर्क्स के बैठने का हाल नहीं। पहले से मौजूद क्लर्क्स बार को पिछली काबीना ने छीन कर वहां चैम्बर बना दिए थे। क्लर्क्स बार अहदेदारान का नई मुंतखब काबीना से क्लर्क्स बार हाल बनाने। जनूबी पंजाब में आटे का बहरान, डेप्यूटी डायरेक्टर फूड मुल्तान के मुख्तलिफ आटा सेल पॉइंट्स पर छापे। फूड बुट में मुलविस 3 फ्लोर मिल्स को शॉकेज कम सप्लाई देने वाली 5 दुकानों को वार्निंग। जहानिया में आटा ले जाने वाला रक्षा पकड़ा गया, 10 थैले बरामद। आटे की अदम फ्राहमी पर शहरियों का एहतजाज, मुजाहरीन का अमले पर सिफारशियों को आटा देने का इल्जाम। बहावलपुर डिवीजन भर में इन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, महकमा एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टीमें मुतहरिक। टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ी मालिकान निर्गे में आ गए,
डायरेक्टर एक्सरसाइज की रोहित से गुफ्तगु, रजिस्ट्रेशन फीस, टोकन टैक्स की वसूली के लिए हिदायत। लैया में हवा की एक और बेटी जिनसे दरिंदगी का शिकार, थाना सिटी की हदूद चक 139 में गन पॉइंट पर शादीशुदा खातून से मुबैना ज्यादती, इतला मिलते ही पुलिस की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज, मुल्जिम को धर लिया गया, तहकीकात जारी। एंटी करप्शन अदालत मुल्तान ने सरकारी जमीन पर कब्जे का केस निपटा दिया। जावेद हाशमी के खानदान पर महकमा औकाफ की जमीन पर कब्जे का इल्जाम था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एंटी करप्शन ने झूठ पर मबनी एफआईआर दर्ज की। खसूसी जज अतीकुर रहमान ने फैसला सुनाया। शहरियों की अजदवाजी जिंदगी तबाह होने लगी। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट में हक महर और तलाक के केसेज में होशुबा इजाफा। जजों की कमी आम आदमी को इंसाफ मिलने की राह में बड़ी रुकावट बन गई। केसेस ताखीर का शिकार, वकला ने बर वक्त इंसाफ ना मिलने की वजह को जजों की कमी करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून सूबाई असेंबली के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने जा रही है। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लैया महर इजाज इस्लाना की रोही से गुफ्तगु, कहा मुस्लिम लीग नून डिविजन भर में मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। जिला भर से जमात इस्लामी के उम्मीदवार आने इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। रहीम इरफान, जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर उमर फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मुस्बत तरक्की के लिए जमात इस्लामी अहम किरदार अदा कर रही है। कॉन्फ्रेंस में जिला रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर अनवर उहद, आबिद बाजवा और दीगर रहनुमा भी मौजूद। स्कूल के बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करने का बजट जारी। महकमा खजाना ने 81 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने डिमांड अरसाल की थी। बजट से स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की जाएंगी। जिशान शब्बीर राणा डीसी खानेवाल तैनात, नोटिफिकेशन जारी। उमर इफ्तिखार शेराजी से डीसी खानेवाल का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। मुल्तान और बहावलपुर पुलिस में तकरो तबादले। डीएसपी सदर विहाड़ी नासिर अली साकिब को अहदे से हटा दिया गया। डीएसपी नासिर अली साकिब को जनूबी पंजाब पुलिस दफ्तर क्लोज कर दिया गया। डीएसपी खालिद जावेद सदर सर्कल विहाड़ी तैनात। उधर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली एसएचओ सिटी हासिलपुर तैनात। सब इंस्पेक्टर शहजाद बाबर एसएचओ और हेड राजका, इंस्पेक्टर अमजद जावेद एसएचओ और कैंट, सब इंस्पेक्टर जा मोहम्मद साजिद को लाइन्स ऑफिसर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की सीईओज को तब्दील करने का फैसला। पंजाब भर के 36 सीईओज को तब्दीली के लिए काम शुरू कर दिया गया। महकमा तालीम अथॉरिटीज से ग्रेड 19 के काबिल अफसरान की फहरिस्त मांग ली। फैसला पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बायस किया गया। ई ट्रांसफर अप्लाई करने वाले उस्ताजा की दस्तावेजात की तस्दीक का अमल शुरू। सीईओज को दस्तावेजात की चेकिंग एहतियात से करने की हिदायत। मेडिकल कैटेगरी के लिए अप्लाई करने वाले उस्ताजा का मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करना लाजिम। जुनूबी पंजाब भर से ट्रांसफर के लिए 6000 से जायद उस्ताजा ने अप्लाई किया है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बॉयज एंड गर्ल्स में नई तालीमी सेशन के तहत दाखिलों का आगाज। कमिश्नर खालिद मंजूर ने डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बिरयार के हमराह दाखिला मुहिम का इफ्तिताह किया। बॉयज सेंटर ऑफ एक्सलेंस में दाखिला मुहिम की इफ्तिताही तकरीब कमिश्नर खालिद मंजूर और डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बिरयार ने वालदैन को दाखिला फॉर्म दिए। एफबीआर का प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तियार थीम की रोही से गुफ्तगु, कहा एक स्कूल और कॉलेज की कई ब्रांचेस हैं। स्कूल और कॉलेजेस ने सिर्फ अकाउंट्स में फीस जाहिर की है। स्कूल्स मालिकान फीस और दीगर फंड छुपाते हैं। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एमडी वासा मुल्तान चौधरी मोहम्मद दानिश के सिरे सदारती इजलास। मैनेजिंग डायरेक्टर को वासा डायरेक्टरेट से मुतालिक ब्रीफिंग।
एमडी वासा का कहना था कि सीवरेज वाटर सप्लाई के गैर कानूनी कनेक्शन की खोज के लिए मुहिम शुरू की जाए, हर यूसी में रिकवरी की शरह को 100% यकीनी बनाया जाए। मियांवाली में 10 नई वेटरनरी डिस्पेंसरियों का तामीराती काम का आगाज हो गया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मतीउर सलाम की गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता एडीपी स्कीम में 10 डिस्पेंसरियां कायम होंगी, डिस्पेंसरियों का तामीराती काम शुरू हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवान उल हक का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमराह बुनियादी मरकज सेहत का दौरा, हेल्थ सेंटर में जेर इलाज मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग मार्किंग और बच्चों के निशान का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर कोट अधू मोहम्मद हुसैन राणा का तरक्याती मंसूबों का जायजा, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, माछी बंगला, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, दायरा दीन पना अस्पताल का दौरा। महकमा बिल्डिंग और इंजीनियर्स ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की काम को मियारी और मकर्रर वक्त पर पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत। ऑस्ट्रियन सफीर मिसेस मैग एंड्रियोविक का बहावलपुर म्यूजियम का दौरा, डायरेक्टर म्यूजियम जुबैर रुबानी ने इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रिया के सफीर ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, सफीर को म्यूजियम आमद पर आजादी शील्ड पेश की, गैर मुल्की और सकाफत में इजहार दिलचस्पी, बहावलपुर की खूबसूरती की तारीफ की।